हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मास्टर ऑफ करंट अफेयर एंड जीके में आप सबका स्वागत है। और 26 जुलाई की यूपीपीएससी की अपडेट देखेंगे। और यूपीपीएससी का नया कैलेंडर जारी हो चुका है कल शाम को ही, तो उसकी भी देखेंगे कि कौन सी परीक्षा किस डेट को है इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को जो है अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि डेली आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहती है हमारे चैनल पर। तो यहाँ पर देखेंगे कि यूपीपीएससी की जो है सीबीआई जांच में खुलेंगी कईयों की पोल। और यहाँ पर पूरी खबर पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2013 परीक्षा की सीबीआई जांच होगी या नहीं, अभी बात तय नहीं है, लेकिन अभ्यर्थी सीबीआई को ब्यौरा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। उन्हें भरोसा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी सीबीआई की पहल करेगा, क्योंकि इसका आश्वासन आयोग अध्यक्ष ने दिया है। परीक्षा की सीबीआई जांच हुई तो कईयों की पोल खुलना तय, क्योंकि इसका तार भी पूर्व परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अंजू कटियार से जुड़ा है। तो प्रमुख संस्थानों के छात्र हुए फेल, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2013 परीक्षा में सबसे अहम बात यह है कि इसमें आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी गुवाहाटी, एनआईटी जबलपुर, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी श्रीनगर जैसे संस्थानों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र फेल कर दिए गए। आईआईटी दिल्ली से एमटेक करने वाले शाहजहाँपुर के आलोक गुप्त का जो है आरोप है कि निजी संस्थानों से डिग्री लेकर आए उन अभ्यर्थी परीक्षा में पास हुए हैं जिन्हें सफल किया गया है, उनका ब्यौरा देखा जाए तो सत्यता सामने आ जाएगी। कब क्या हुआ? उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2013 के तहत पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, लघु सिंचाई, ग्राउंड वाटर, रूरल इंजीनियरिंग विभागों में 934 पदों की जो है भर्ती निकली। इसकी लिखित परीक्षा 10, 12 व 13 अप्रैल 2016 को हुई, जबकि साक्षात्कार 3 मार्च से 5 अप्रैल 2019 तक कराया गया। परिणाम 3 मई को 2019 को जारी हुआ। इसमें सिंचाई विभाग में 640 पदों की परीक्षा कराई गई, लेकिन लिखित परीक्षा के बाद पद घटाकर 394 कर दिया गया। यह हुए असफल। शाहजहाँपुर निवासी आलोक गुप्त ने एनआईटी पटना से बीटेक में 7.4 सीपीए पाया, गेट में 667 रैंक थी। अभी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं, नालको में जूनियर मैनेजर, बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट पद पर चयन हो चुका है। अभिषेक सिंह चौहान ने आईआईटी दिल्ली से एमटेक में 7.933 सीजीपीए प्राप्त किया। रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं। कामता प्रसाद ने आईआईटी रुड़की से बीटेक में 6.173 सीजीपीए प्राप्त किया। शंकर दयाल मिश्र गोरखपुर निवासी ने आईआईटी बीएचयू से एमटेक किया। रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं। पवन कुमार सिंह आईआईटी रुड़की से एमटेक में 7.05 सीजीपीए प्राप्त किया। तो इतने हाईटेक अच्छे स्टूडेंट जो थे वो फेल कर दिए थे इस एग्ज़ाम में, तो उसकी जाँच की बात की जा रही है। अब यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नया कैलेंडर। तो यहाँ पर वर्ष 2019 में देखिए, यहाँ पर प्रोग्रामर ग्रेड 1, ग्रेड 2 कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्रेड बी परीक्षा 2019 के अंतर्गत प्रोग्रामर और ग्रेड 1 परीक्षा 1 सितंबर 2019 को होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर देखेंगे ग्रेड 1 और ग्रेड 2 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी परीक्षा 2019 के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी परीक्षा 15 सितंबर 2019 को होगी। और उसके बाद अंतर्गत प्रोग्रामर का यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे नंबर पर दिया हुआ है, इसको जो है 13 अक्टूबर को कराया जाएगा। और पीसीएस 2018 में जो प्री कराया गया था उसका मेंस का एग्ज़ाम जो है 18 अक्टूबर को होगा, 18/10/2019 से स्टार्ट होगा मेंस का एग्ज़ाम। फिर प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2017 कराई जाएगी 3 नवम्बर 2019 को। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस सामान्य चयन विशेष परीक्षा 2019 सहायक वन रक्षक, ये परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2019 का जो है पीसीएस 2019 का 15 दिसंबर को कराया जाएगा। 15/12/2019 को 2019 का पीसीएस प्री एग्ज़ाम कराया जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं 2020 के एग्ज़ाम की। सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2018 की जो है 16/2/2020 में होगा, यानी 16 फरवरी 2020। सहायक वन रक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2018 की 23 फरवरी 2020 से स्टार्ट होगा। और यहां पर देखेंगे सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन विशेष चयन मुख्य परीक्षा। अब 2019 की पीसीएस मुख्य परीक्षा जो होगी
यहाँ पर देखेंगे 20/4/2020 से है, सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2018 का 16/5/2020 से है। और यहाँ पर ये प्रारंभिक परीक्षा, यहाँ पर देखेंगे 5वें नंबर पर सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS प्रारंभिक परीक्षा 2020, सहायक वन रक्षक ACF क्षेत्रीय वन अधिकारी RFO प्रारंभिक परीक्षा 2020 जो है 21/6/2020 को कराया जाएगा। सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी की मुख्य परीक्षा 2019 ये 16/8/2020 से स्टार्ट होगा। और सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा ये आपका कराया जाएगा 15 अक्टूबर 2020 से। और सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2020 का जो है 13 दिसंबर 2020 से स्टार्ट किया जाएगा। और नीचे लिखा हुआ विशेष परिस्थितियों में तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। और ये 25 जुलाई यानी कल शाम की है। और अरविंद कुमार मिश्र परीक्षा नियंत्रक हैं UPSC के। तो वीडियो आप लोग को जो है पसंद आया तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें।